हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा समर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। समर्स हैं, हमारी नीड्स डिफरेंट हो जाती है, हमारी स्किन की नीड्स डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेरा समर मॉर्निंग रूटीन। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन बेल होगी, उसको भी आप प्रेस ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने बाल जो है कंघी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, सो हैड टू डू इट। नेक्स्ट काम इज़ ब्रशिंग। ब्रश करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सेंसोडाइन का टूथपेस्ट। मेरा फेवरेट टूथपेस्ट नहीं है ये, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है। दिस होल यू नो गम प्रॉब्लम्स और ये सारी, ये वाला पर्टिकुलर टूथपेस्ट बड़ा गिमिकी लगता है। और डाबर रेड टूथपेस्ट बहुत अच्छा है। सो या अभी जस्ट ब्रश कर रही हूँ एंड आफ्टर आई एम डन ब्रशिंग मैं अपने फेस पे बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी स्प्लैश करूँगी और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी जस्ट हर्ब्स का सिल्क स्प्लैश बिट ऑरेंज फेस वॉश। मैं हर रोज़ फेस वॉश नहीं करती हूँ, आई डू इट एवरी 3 to 3 डेज़ बेसिकली। फेस वॉश एज इन फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ हर रोज़। मैं इसको अपने अंडर आइज़ में और अपनी आइज़ के ऊपर भी यूज़ करूँगी क्योंकि लास्ट नाइट अगर मेरी आइज़ में कुछ रेसिड्यू काजल का या मस्कारा का रह गया हो तो वो भी निकल जाए। और ये एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न होता है डार्क सर्कल्स का, कि काजल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे अंडर आई बैग्स पर। सो इसलिए मैं अच्छे से फेस को वॉश करूँगी और उसके बाद जो है मैं एक ड्राई टॉवल से पैड ड्राई कर लूँगी। रब नहीं कर रही हूँ मैं, पैड ड्राई कर रही हूँ बहुत स्लोली, अदरवाइज़ यू नो स्किन बहुत ड्राई फील करती है। दैन मैं यूज़ कर रही हूँ गुलनेर का रोजेटा रोज़ वाटर क्लैरिफाइंग टोनर। ये मुझे मेरे वैनिटी कास्क में मिला था, सो आई थॉट मेरे को यूज़ करके देखना चाहिए, दो इट इज़ एक्सपेंसिव बट हाँ। सो मॉर्निंग में जब मैं टोनर यूज़ करती हूँ तो मैं उसको सिर्फ प्रेस करती हूँ अपनी स्किन में क्योंकि मेरा जो स्किन केयर रूटीन है नाइट टाइम का वो काफ़ी इंटेंसिव है, तो ऑब्वियसली आई नीड नॉट रब इट ऑन माय फेस। यहाँ पर मैं सिर्फ इसको अपनी स्किन में प्रेस कर रही हूँ जिससे कि जो भी प्रोडक्ट है वो स्किन में अच्छे से आ जाए। नाउ कम्स बाथ टाइम। सो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का नीम सोप बिकॉज यू नो ओडर और गर्मी और पसीना उस सबसे पार पाने के लिए। एंड फॉर माई हेयर वॉश आई एम यूजिंग आई टेक्स का शिकाकाई हेयर वॉश। दिस इज़ अमेजिंग यू गाइज। इसमें SLS और पैराबेन्स है बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग और रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। सो वंस आई एम डन विद माई बाथ एंड एवरीथिंग मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइक वंस आई एम आउट ऑफ माई शावर मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर विजली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। दिस इज़ माई होली ग्रेल, इट इज़ अमेजिंग। सो या आई एम जस्ट अपलाइंग दैट और जब तक कि मेरी स्किन में सीपन होगा तब तक मैं थोड़ा सा लिप बाम भी लगा लूँगी। यहाँ लिप बाम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम। आई लाइक दिस, इट लाइक इसको अप्लाई करने में बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। आई यूजली यूज़ क्लियर लिप बाम्स अनलेस मैं बाहर जा रही हूँ। सो या और फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लोटस की सेफ सन मैटिफाइंग जेल जो है, एंड आई रियली लाइक इट फॉर समर्स। आपको ये फुल डे मैट रखता है, ऑयली नहीं करेगा। सो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो डू ट्राई दिस सनस्क्रीन, दिस इज़ अमेजिंग। And yeah, once I'm done applying it, I will just comb off my hair. थोड़ा सा you know civilized लगना है ना, जंगली नहीं लगना। तो बस कंघी कर रहे हैं। एंड या दैट इज़ ऑल अबाउट माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है।